तिवारीपुर थाने पर शनिवार को सीओ कोतवाली वीपी सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने थाने पर आए फरियादियों से बारी बारी उनकी फरियाद को सुना, साथ ही फरियादियों के मामलों को तत्काल निस्तारण करने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम गठित कर अविलंब मामले को निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए। इस संबंध में सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने बताया कि आज तिवारीपुर थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिनमें कुल 6 मामले आए थे। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम गठित कर मामले को तत्काल निस्तारण करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सभी मामले राजस्व संबंधी जुड़े हुए आए थे। इस दौरान तिवारीपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक और राजस्व विभाग से जुड़े लेखपाल कानूनगो मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, कब पड़ा है, आज जावे हो दे दो ना। बंटवारे का विवाद बंटवारे का बहुत हम कुछ नया भी कुछ नहीं, तब फिर क्यों आपका पूरा सम्मान ही नहीं कर रहा? आप तो पूरा सम्मान नहीं कर सकते कोई ऐसा ही। हम लोग चाहते हैं आपसी समझक बना रहे, कोई आपसे अफसर नहीं बोले। मैंने आपसे कहा था ना हम रास्ते में पकड़ लेंगे, आपसे कौन लड़ पाएगा? आपके सम्मान से वही मैं कहा, मैंने किसको हिम्मत तो सब कर आया कि आपने कहा था ना मिल लूंगा, मिले नहीं। हमारे पास दूसरी चीज़ सही है, हमारे यहाँ ये काम नहीं कि आप बुला के धमकाना डाले, जो सही चीज़ों करो इसमें कुछ हो रहा है तो मिल ही जाओगे। आप हम कब जीने पर विधायक चुना के और खड़े हैं साहब, ये अच्छी बात है। काम कर हम ही देखते हैं, वो हमसे बताए सर जी, उन्होंने ये कहा कि आप उनको बैठा है। नहीं लगभग 6 मामले थाना तिवारीपुर में आए हैं और सभी के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। अभी सभी मौके पर गए हैं और उनके द्वारा जिस तरह की समस्या है उसका समाधान होने पर अवगत कराया जाएगा, और जो न्यायिक परिधि के अंतर्गत हैं जिनका समाधान संभव नहीं है उनको आवेदक को अवगत कराया जाएगा। किस तरह के मामले आए थे? सभी भूमि विवाद से संबंधित मामले हैं।